नहीं, मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने जो यशराज की फिल्म थी, जो उनका एक ही दफा ऐसा टकराव हुआ है सनो सरदार और यशराज की फिल्म का, और उस वक्त उन्होंने सारे हरबे अपनाए थे, उस वक्त उन्होंने सारे पैंतरेबाजी की थी, उस वक्त उन्होंने सारे कोर्ट कचहरी छान मारे थे। तो वो जो उन्होंने उस वक्त किया था, वो चाह रहे हैं कि इस बार भी वो वैसा ही करें, और वो मेरे कंधे पे बंदूक रख के वो कोर्ट जाना चाहते हैं, ताकि वो करण जौहर को ये साबित कर सके कि इन्होंने कंपटीशन में ऐसी गलत चीजें की हैं जो फेयर नहीं थी। तो आपको लगता है इतनी इम्पोर्टेंट है कि अजय आपका सहारा ले और कल आपने फिल्म का प्रमोशन करे? वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आप अजय देवगन से पूछिए कि अजय देवगन जी के लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया कि अगर मैंने ये कह दिया कि भाई उनके ट्रेलर जो है वो अच्छा नहीं है, और अगर मैंने ये कह दिया कि ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर अच्छा है, तो उनको इतना बुरा लग गया, उनको उनकी रातों की नींद उड़ गई, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और उनको मीडिया में आना पड़ गया कि कमाल खान ने ऐसा कहा। तो ये तो उनसे पूछे कि मैं उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हूँ। सर अभी आप लास्ट में, अभी आप अपनी तरफ से क्या एग्जैक्टली अभी वो प्लेस कर रहे हो, आप अपनी तरफ से क्या करना चाह रहे हो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू? क्लियर है, मैं मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि करण जौहर ने मुझे कभी भी शिवाय के बारे में ये नहीं कहा कि मैं शिवाय के बारे में गलत कहूं। करण जौहर ने मुझे कभी भी शिवाय नहीं, किसी भी फिल्म के बारे में ये नहीं कहा कि मैं किसी की फिल्म के बारे में गलत कहूं। ना ही मुझे करण जौहर ने कोई पैसे ऑफर किए, ना ही मुझे करण जौहर ने कोई पैसे दिए हैं। तो सवाल ये है कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के अजय देवगन साहब करण जौहर को टारगेट ना करें, मुझे बलि का बकरा ना बनाए, मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है अजय देवगन साहब से। नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मेरी क्यों बात होगी, मेरा उनसे कोई दोस्ती नहीं, यारी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, तो जाहिर सी बात है करण जौहर से मेरी क्यों बात होगी। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप लोगों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की होगी, वो रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं, वो क्यों रिप्लाई करें। क्या शिवाय को रिव्यू करेंगे? 100% करूंगा, और मैं दोनों फिल्मों का रिव्यू करूंगा, और ये रिव्यू के बाद आप देख लीजिएगा कि अगर शिवाय अच्छी फिल्म हुई तो मैं उसका जबरदस्त रिव्यू दूंगा, और अगर बुरी हुई तो जाहिर सी बात है खराब दूंगा। और ये अब की बात नहीं है, ये पहले भी बहुत दफा हो चुका है। इस इंडस्ट्री में मेरा रितेश से ज्यादा क्लोज फ्रेंड कोई नहीं है। उनका जब पहला टीजर आया बेंजो का, मैंने कहा जबरदस्त है। जब ट्रेलर आया मैंने कहा यह बहुत ही वाहियात है। तो इसका मतलब यह नहीं कि पहले मुझे रितेश ने पैसे दिए थे और अब नहीं दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अगर पसंद आएगा तो मैं अच्छा कहूंगा, पसंद नहीं आएगा तो मैं बुरा कहूंगा। कमल जी, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में बहुत सारे जन 95-98% इज अगेंस्ट यू, चाहे वो सोनाक्षी हो, आलिया हो, सिद्धार्थ हो, बहुत सारे जन आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, आप भी कुछ उठपटांग लिख देते हैं उनके बारे में ट्विटर पर, तो इस पे आप कैसा मतलब? कभी कभी वो धमकी जैसा होता है कि केआर के धमकी। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताता हूँ, हमसे कई दिनों बाद मुखातिब हो रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे ख्याल में जो मेरी समझ में आता है। अगर मैं बहुत सारे लोगों के जो लोग क्या क्या एक दूसरे के बारे में कहते हैं उसको डिटेल में बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मेरी समझ में इतना आता है कि शायद सबको लगता है कि मेरे नाम के साथ पब्लिसिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसलिए उनको मेरे नाम के साथ जुड़ना बहुत पसंद है और वो यही कर रहे हैं। नहीं तो आज अजय देवगन जैसा स्टार क्यों मुझे बीच में घसीटता भाई, क्यों जबरदस्ती रिकॉर्डिंग करता और क्यों बिना वजह ये पब्लिसिटी स्टंट करता? तो आपको लगता है इससे शिवाय को फायदा होगा? इससे शिवाय को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अजय देवगन साहब ये साबित कर रहे हैं इसके थ्रू कि उनकी फिल्म अच्छी नहीं है, उनको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है, वो डिपेंडेंट है क्रिटिक्स पे कि क्रिटिक कैसा रिव्यू देंगे तभी लोग उनकी फिल्म देखेंगे। तो अगर ऐसा है तो भाई ये तो मेरे ख्याल में अजय देवगन साहब के लिए बहुत ही बुरा है। बट अजय देवगन सर, अगर आपको अपनी फिल्म पे भरोसा है, आपको यकीन है कि आपने बढ़िया फिल्म बनाई है, तो सीना खोल के मर्दों की तरह सर करण जौहर के साथ लड़िए, मेरे जैसे क्रिटिक्स को बीच में मत घसीटिए। आप मानते हैं कि आप एज ए क्रिटिक इतने पावरफुल हो कि फिल्म को यू नो उनको बॉक्स ऑफिस की सक्सेस ना सक्सेस पे बहुत बड़ा हाथ होता है, आप अपने आप को भी किस तरह से रीड? देखो जो क्रिटिक्स हैं वो सब पत्रकार ही हैं, तो आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए इस बात पे तो कि आज कमाल खान ने धूम तो मचा दी है। yes.
कमाल खान से डरते तो हैं, ये तो तय है। तो वो इसीलिए डरते हैं कि कमाल खान किसी से नहीं डरता, और कमाल खान वही कहता है जो सच होता है, वो फिल्म किसी दोस्त की हो या दुश्मन की हो। और पब्लिक भी मेरा रिव्यू इसीलिए देखती है क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं वही कहूँगा जो सच होगा। और ये आपके सामने मोहनजोदारो और रुस्तम में भी हो गया, आपके सामने है। मोहनजोदारो के बारे में मैंने बहुत गलत कहा क्योंकि मुझे ट्रेलर अच्छा नहीं लगा, मुझे रिव्यू भी अच्छा, मैंने रिव्यू भी अच्छा नहीं दिया। तो ऋतिक रोशन ने तो बेचारे ने कहीं नहीं ये कहा कि भाई मैं उनकी फिल्म को बर्बाद करना चाहता हूं। ना अक्षय कुमार आए मेरे पास 25 लाख लेके कि भाई आपने मेरी फिल्म को बहुत प्रमोट किया और मेरी फिल्म का रिव्यू बहुत अच्छा दिया और 25 लाख ले लो। तो ना मुझे उन्होंने पैसे दिए ना उन्होंने दिए। तो भाई मैं जो सच है जो मुझे लगेगा वो मैं जरूर कहूंगा, उससे मैं रुकूंगा नहीं। वो पूरी इंडस्ट्री मिलकर भी रोकना चाहे पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं जब ये कल मुझे पता चला कि ये बात मीडिया में आ रही है, मैंने कुमार मंगत जी को 10-15 दफा फोन किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। शायद उनको शर्मिंदगी हो रही होगी कि भाई उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि दोस्ती में ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए था। और मुझे लगता है अब उनके दोस्त तो उनसे बात भी नहीं करेंगे क्योंकि पता नहीं वो कब किसकी बात रिकॉर्ड कर ले और कब क्या पर्सनल बात रिकॉर्ड करके मीडिया में दे दे। मेरी समझ में जो आज मुझे पता चला, मेरी समझ में ये आ रहा है, मुझे ये बताया गया, मैं इसको 100% कंफर्म नहीं कर सकता कि उनके पीआरओ है पराग साहब। और पराग साहब एक जमाने में मेरे पास कुछ 10 दिन काम कर रहे थे और वो इतने वाहियात इतने घटिया पीआरओ हैं कि उनको मैंने लात मार के भगाया था। तो शायद उनको ये बात याद है कि कमाल खान ने मुझे लात मार के भगाया था, तो उन्होंने कुमार मंगत को ये उल्टी एडवाइस दी कि देखो आप अपने दोस्त कमाल खान की रिकॉर्ड कीजिए बातें और मैं उसको मीडिया में दूंगा और हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। पराग साहब इस फिल्म को लेकर आप भी डूबोगे, मुबारक हो सर आपको। मानते हो कि आपके जो रिव्यू है उसके वजह से या फिर आपकी लिंक उस तरह से है एक्चुअली तो उस वजह से लोग डरते हैं? देखिए आपकी लिंक दुबई तक है ऐसे? देखिए मेरे कोई लिंक नहीं है भाई, मैं सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने कहा मैं 2 फिल्में अजय के साथ ही कर चुका हूँ, तो जाहिर सी बात है उनको ये उनको भी पता है। बट क्योंकि पब्लिक मेरे साथ है, मैं रिव्यू पब्लिक के लिए देता हूँ और पब्लिक मेरा रिव्यू देख के डिसाइड करती है कि फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है। बस यही मेरी ताकत है, पब्लिक जो है पब्लिक मेरी ताकत है। रणबीर कपूर कमबैक करेंगे या दिल्ली मुश्किल से? भाई देखो फिर मैं यही कह रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया आपने, अभी टीजर आया और मैंने कहा जबरदस्त, और कल को ट्रेलर आया वो इतना भाईया, तो मैं कहूँ यार ये क्या घटिया है, तो फिर करण जौहर कहेगा कि भाई मुझसे पैसे लेके इसने तो मेरी फिल्म की मां बहन कर दी। तो ये हो सकता है। जो टीजर आया है वो मुझे जबरदस्त लगा है, जो गाना है टाइटल सॉन्ग है वो जबरदस्त है, ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा क्या है। इसके पैसे नहीं मिले सर? पैसे नहीं मिले करण सर, सब ने कह दिया सर, हंगामा हो गया सर, 25 लाख भेज दो सर, कुछ थोड़ा रिनोवेशन वगैरह करा लेता हूँ सर। आपका कहने का, आपने अभी भी बोला कि आपने अगर रिव्यू को खराब, ट्रेलर को खराब बोल दिया, टीजर अच्छा बोलने के बाद आप करण जौहर आके बोलेंगे कि पैसे लेने के बावजूद खराब बोल दिया, अभी तो ये मतलब आपको लगता है करण जौहर झूठ बोल सकते हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना भाई, पब्लिसिटी स्टंट के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो अगर यही मतलब कल को क्या कह दे, अब तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि भाई क्या कह दे। मैं अगर किसी की फिल्म को बुरा कहूं तो वो कहेगा मैंने तो पैसे नहीं दिए थे इसलिए बुरा कह दिया, अच्छा कहूं तो पैसे देते नहीं। अरे भाई जब अच्छा कहूं तो पैसे तो दो कम से कम यार। आप मानते हो इंडस्ट्री के अंदर ये बोल भी सकते कि मैंने पैसे दिए? आप मानते हो इंडस्ट्री के अंदर आपसी मतभेद है खाली? देखो ये झगड़ा दो लोगों का है, ये करण जौहर और अजय देवगन का झगड़ा है जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में उस कंपटीशन में अजय देवगन साहब ज्यादा डिस्टर्ब हैं, शायद उनको लग रहा है कि उनकी फिल्म उतनी अच्छी नहीं है जितनी करण जौहर की फिल्म है। तो उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि उनको दूसरे लोगों को इस लड़ाई में घसीटना चाहिए, उन दोनों को ही एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए जैसे ऋतिक और अक्षय लड़े हैं, ईमानदारी के साथ लड़े हैं उन्होंने। हालांकि अक्षय की फिल्म पूरी इंडस्ट्री ने प्रमोट की है, बट ऋतिक ने किसी को भी गाली नहीं दी, किसी को भी बुरा नहीं कहा। तो यही अजय देवगन को करना चाहिए। पूरे मामले में कहीं ना कहीं
बलि का बकरा बनाया गया है। बिल्कुल, ये मैं जो समझता हूँ कि करण जौहर सॉरी अजय देवगन ने और कुमार मंगत ने दोस्ती खाते में मुझे बलि का बकरा बनाया है बस। ऐश्वर्या राय भाभी हैं भाई हमारी और हमें अच्छी लगेगी।